नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार टाइम 24 में। मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। अब तक तमिलनाडु में सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है, जहां एक ओर शशिकला गुट द्वारा उनके समर्थक विधायकों को गुप्त स्थान पर ले जाने की बात हो रही है, तो वहीं पनीर सेल्वम के विधायकों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस बीच पनीर सेल्वम ने संकेत दिए है कि जयललिता के आवास पोएस गार्डन को भी जयललिता का स्मारक बनाने का ऐलान कर सकते हैं। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी AIADMK में मचे घमासान के बीच ओ पनीर सेल्वम ने दो बैंकों को पत्र लिखकर कहा है कि वे किसी अन्य को पार्टी के खातों को संचालित नहीं करने दें। पनीर सेल्वम ने मैलापोर क्षेत्र स्थित दोनों बैंकों को लिखे अलग अलग पत्रों में कहा कि पार्टी के प्रासंगिक नियम के तहत वह अभी भी अनामुद्रक के कोषाध्यक्ष हैं। पत्र करूर व्यासा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधकों को संबोधित किया गया था। इस बीच ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। AIADMK के सांसद दिल्ली में हैं और आज इस मामले पर राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। AIADMK ने आरोप लगाया था कि पनीर सेल्वम की बगावत की आड़ में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस बीच पनीर सेल्वम के समर्थन में चेन्नई के मरीना बीच पर छात्रों के कुछ समूह अनशन पर बैठ गए हैं। कोयम्बटूर और त्रिची में भी छात्र संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शशिकला की ताजपोशी रोकने के लिए अदालतों में भी लगातार याचिकाएं दायर की जा रही है। शशिकला के खिलाफ बगावत पर उतरे पनीर सेल्वम ने पत्र में आगे कहा कि पार्टी संविधान का नियम 20 कहता है कि पार्टी महासचिव के प्राथमिक सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। उन्होंने पत्र में लिखा कि जयललिता की निधन के बाद खाली हुआ अनामुद्रक महासचिव का पद भी अभी खाली ही है, क्योंकि उपरोक्त पद के लिए चयन पार्टी विधान के नियम 20 उपखंड 2 के तहत अभी होना बाकी है। पनीर सेल्वम ने कहा कि पार्टी महासचिव द्वारा नामित पदाधिकारी जैसे केंद्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य, उप महासचिव, कोषाध्यक्ष और पार्टी मुख्यालय सचिव तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि एक नया महासचिव प्रासंगिक नियमों एवं उप नियमों के तहत नहीं चुन लिया जाता। आपको बता दें कि शशिकला के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद पार्टी के खिलाफ गतिविधियों का आरोप लगाकर पनीर सेल्वम को कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। इस पर पनीर सेल्वम ने कहा था कि ये पद मुझे अम्मा ने दिया था और कोई भी मुझसे ये पद नहीं छीन सकता। इस बीच शशिकला गुट की ओर से 130 से अधिक विधायकों को किसी गुप्त स्थान पर रखने की खबर है। फ्लो टेस्ट से पहले शशिकला गुट विधायकों को अपने साथ रखना चाह रहे हैं। दूसरी ओर पनीर सेल्वम ने 50 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। विधानसभा में AIADMK के कुल 134 विधायक हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से फोन पर बात करते हुए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई शानदार प्रगति को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। भारत और अमेरिका ने अहम द्विपक्षीय रक्षा प्रयासों की लय बरकरार रखने पर जेम्स मैटिस ने सहमति जताई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में मैटिस ने पिछले महीने रक्षा मंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद दोनों नेताओं के पहली बार बातचीत की। पेंटागन के प्रेस सचिव कैप्टन जेफ डेविस ने पहली बातचीत में बताया, मंत्री मैटिस ने हालिया वर्षों में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में की गई शानदार प्रगति को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों की रणनीतिक महत्ता और वैश्विक शांति एवं सुरक्षा को मजबूत करने में भारत की भूमिका को रेखांकित किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद डेविस ने कहा, मंत्री मैटिस और मंत्री पर्रिकर ने रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समेत अहम द्विपक्षीय रक्षा प्रयासों की लय को बरकरार रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दिल्ली की होली इस बार चुनावी रंग में रंगने वाली है। इसकी सबसे बड़ी वजह MCD चुनाव का आगाज है। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के सभी 772 वार्डों के लिए तय कर दिया है कि कहां कहां सिर्फ महिलाएं चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली में MCD में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, मतलब 272 में से 136 वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। हालांकि ये पहले से तय था कि इतने वार्डों में सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ पाएगी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने उन वार्डों की सूची भी जारी कर दी है जहां से सिर्फ महिला उम्मीदवार ही उतरेंगी। इस घोषणा के बाद अब पार्टी दफ्तरों में भी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि जो नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अब टिकट में लामबंदी में जुट गए हैं, और जिनके वार्ड आरक्षण में महिला कोटे में चले गए हैं वो अपनी पत्नी, बेटी और माँ के नामों को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। इसके अलावा SC के लिए रिजर्व वार्डों में बदलाव के चलते भी कई नए समीकरण बन रहे हैं।
इस बार एमसीडी चुनाव की खास बात यह रहने वाली है कि कांटे की टक्कर में दो नहीं बल्कि तीन पार्टियां आमने सामने होंगी, जिनमें पहली बार एमसीडी चुनाव लड़ने वाली पार्टी की सरकार भी दिल्ली में है। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है और गर्मा गर्मी वाला भी है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और एमसीडी में भी पिछले 10 सालों से बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में आरोपों की झड़ी भी लगने वाली है। विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित रही कांग्रेस फिर से एमसीडी चुनाव में अपनी खोई जमीन तलाशने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन विधानसभा के सदमे से कितनी उबर पाएगी फिलहाल कहना मुश्किल है। बीजेपी ने दिल्ली में पूर्वांचली व झुग्गी वोटों को अपनी तरफ झुकने के लिए भोजपुरी गायक मनोज तिवारी को दिल्ली इकाई का अध्यक्ष बनाकर नया दांव चलने की कोशिश की है, लेकिन 10 साल की सत्ता विरोध लहर का सामना भी उसे करना है। इस पर केजरीवाल और उनकी पार्टी के आरोपों से भी जूझना है और कुल मिलाकर वार्ड आरक्षण के साथ दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज गया है। यूपी सहित 5 राज्यों के चुनाव के चलते भले ही इस चुनावी बिगुल की आवाज फिलहाल दब जाए, लेकिन तय है कि होली आते आते दिल्ली में भी चुनाव रंग जम ही जाएगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।